और भी लोग इसका अच्छा लगता है, अच्छा लगता बच्चे लोग को पसंद है। देखिए इसका आवाज सुनिए, एकदम क्रिस्पी बना है, बिल्कुल बाजार के जैसा तैयार हो चुका है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग खाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज वो मेरा बहुत फेवरेट है। तुम्हारा फेवरेट है? फायका तुम्हारा? हाँ। फायका का ही फेवरेट है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फ्रेंच फ्राइज कैसे बनता है, ठीक है? तो खुद दिखाते हैं। ये देखिए हमारा आलू आ गया है। पहले फ्रेश आलू लेना है ना, क्या करना है? फ्रेश आलू लेके काटना है, काट के अच्छे से वॉश करना है इसे। अच्छा, उसके बाद ऐसा कटिंग करना है। अच्छा, ऐसा ऐसा कटिंग करना है ना। ये कटिंग की वजह से बच्चे लोग ऐसे खाते हैं। अच्छा, और उसके बाद ये गर्म पानी, उसके बाद ये गर्म पानी में पानी कितने देर तक? हाँ, पानी गर्म हो जाता है, बस थोड़ा देर पकाना है इसको। अच्छा, इसको हम लोग इसमें पानी में डालेंगे। हाँ, पानी में नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अच्छा, ताकि ये जो आलू है इसमें थोड़ा सा नमक पी ले। अच्छा, नमकीन टाइप का हो सके, है ना। इसको अच्छे से कटिंग करना है, पतले पतले। आलू बड़ा होना चाहिए, बड़ा बड़ा आलू होना चाहिए। आलू देखिए इस तरह से कटिंग हो गया है। अच्छा, पानी गर्म हो रहा है। पानी हमारा गर्म हो चुका है, देखिए गुनगुना टाइप का हो गया है। अब इसमें हम लोग आलू डालेंगे, डालेंगे इसको करने के बाद कितने देर तक इसको पकाएंगे? थोड़ा सा गर्म होने देते हैं पानी। अच्छा, करीबन 5 मिनट। हाँ हाँ, थोड़ा सा भाप। अच्छा, 5 मिनट तक हल्का इसको भपाएंगे, क्योंकि वो करंची थोड़ा हो जाएगा ना। नहीं, आलू इसमें हम लोग डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको 5 मिनट तक छोड़ देंगे, उसके बाद निकालेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। आलू अच्छी तरीके से हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसको आलू को इसको निकालने के बाद इसमें टिश्यू पेपर में रखेंगे, ताकि इसका जितना भी पानी है इस पर सूख जाए अच्छे से, है ना। ये पानी सूखने के लिए इसमें रखनी है, नहीं तो क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। अच्छा अच्छा, ये पानी सूख जाएगा ना। हाँ, ये अच्छा बनेगा, जैसे बाजार में होता है वैसे। अच्छा, बिल्कुल बाजार की तरह हो जाएगा। हाँ, तभी बच्चे आप लोग भी घर में ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगा। हम लोग तो खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से सुखाएंगे ना, टिश्यू पेपर। हाँ, अच्छा, इसको देखिए टिश्यू पेपर में रख के अच्छे से आप लोग इसको सुखा सकते हैं, ताकि जब तलेंगे तो क्रंची टाइप पे अच्छा सा हो जाएगा, है ना। देखिए सूख रहा है बिल्कुल, इसमें से का पानी जितना भी है सब इसमें अब्सॉर्ब हो रहा है। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है तलने के लिए, पानी इसका पूरा सूख चुका है, बिल्कुल बाजार की तरह हो गया है। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। गैस ऑन करने के बाद, ऑयल डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे, और बिल्कुल आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसमें क्या है, ये तेल जब तक देखिए गर्म हो रहा है। अच्छा अच्छा, अच्छे से गर्म हो जाएगा ये, जब तक इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाते हैं। ये क्या कॉर्नफ्लोर? इससे क्या क्रिस्पी होगा ये। अच्छा, पानी सूखेगा इसे और अंदर का हमको लगता है कि बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आने वाला है, लेकिन बिल्कुल बाजार की तरह लग रहा है कटिंग वगैरह। मेरा तो बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैकडोनल्ड्स वगैरह में खाते हैं, अच्छा लगता है। गर्म हो चुका लगता है कि इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद इसको डाल दिए हैं। इसको कितने देर तक पकाना है? थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा, 2 मिनट। 2 मिनट तक पकाना है ना। बस कुछ ही देर में फ्रेंच फ्राइज हमारा रेडी होने वाला है। ये देख लीजिए आप लोग, कुछ ही देर में हमारा रेडी हो जाएगा फ्रेंच फ्राइज, बिल्कुल बाजार की तरह। देखिए फ्रेंच फ्राइज हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल,
इसको ऑयल ये करने के लिए थोड़ा देर के लिए होल्ड करेंगे। बिल्कुल बाजार की तरह लुक लग रहा है, क्रंची टाइप लग रहा है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किया, कुछ नहीं किया, नहीं सुखा, बस सिंपल। घर में बच्चों को बहुत पसंद आने वाला चीज़ है ये, आप लोग भी घर में ट्राई कर सकते हैं। बस इसमें हल्का सा नमक डाल के आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, बहुत टेस्टी होने वाला है। हम थोड़ा सा इसमें नमक मिक्स कर रहे हैं और इसमें क्या डालना है ये अपने टेस्ट के हिसाब से, आप बच्चे को पसंद है और ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये डाल रहे हैं, ये थोड़ा और भी लुक इसका अच्छा लगता है, बच्चे लोग को पसंद है। देखिए इसका आवाज सुनिए, एकदम क्रिस्पी बनाई, बिल्कुल बाजार के जैसा तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी बना दिए। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फ्रेंच फ्राइज हमारा रेडी हो चुका है, मेरी बेटी आ गई है, अब हम लोग यहाँ टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। कैसा बना बेटा, देखिए टेस्ट कीजिए और बताइए। अच्छा है, पापा को टेस्ट कराइए। बिल्कुल बाजार वाला है फीलिंग, घर में आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, है ना पापा? हाँ। आपको टेस्टी लगा? हाँ। ओके बाय।